नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वैशाली के पर्यटन स्थलों के बारे में। दोस्तों, बिहार में पर्यटन स्थल को जानने के क्रम में आज हम वैशाली जिले की बात करेंगे। छठी शताब्दी में इतिहासकारों के अनुसार दुनिया का पहला गणराज्य कहे जाने वाले इस शहर का ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक महत्व है। यहाँ भगवान महावीर का जन्म तो भगवान बुद्ध का 3 बार आगमन हुआ और यही कारण है कि यहाँ के स्थल को खास माना जाता है। वैशाली का उल्लेख रामायण एवं महाभारत में भी मिलता है। बात की जाए यहाँ के पर्यटन की तो वैशाली धर्म, संस्कृति एवं पुरातत्व के पहलुओं से भरा पड़ा है। साथ ही मधुबनी पेंटिंग, पत्थर की मूर्तियां एवं स्थानीय हस्तशिल्प यहाँ की आकर्षण को और बढ़ा देती है। आइए जानते हैं वहाँ की प्रमुख पर्यटन स्थलों को। पहला है आर्कियोलॉजिकल संग्रहालय ऑफ वैशाली। यह संग्रहालय 1971 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें खुदाई के दौरान पाई जाने वाली पुरावशेषों को प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ कई शानदार मुकुट, हार, गहने आदि को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की बिना सर की प्रतिमा लगाई हुई है। इन सामानों के अलावा इस संग्रहालय में गांव के लोगों के द्वारा आजादी से पूर्व का दिया सामान भी प्रदर्शन के लिए रखा गया है। यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति, उमा शंकर की मूर्ति आदि को भी रखा गया है। इस संग्रहालय में मध्यकालीन युग का काफी सामान रखा हुआ है। संग्रहालय में 2000 पुरावशेष रखे हुए हैं। यहाँ गुप्त काल, मयूर काल और कुहंस काल के दौरान का भी काफी सामान रखा है। इसके बाद हम बात करेंगे बुद्ध स्तूप की। गौतम बुद्ध के काल के गौरव का वर्णन करता बुद्ध स्तूप पास बहुत ही सुंदर और दर्शनीय है। अगर आप यहाँ घूमने आए तो प्रयास करें कि सूर्योदय के समय पहुंचे। उस समय यहाँ का दृश्य सबसे सुंदर और मनोहर होता है। आप इस खूबसूरत सुबह को अपने कैमरे में भी कैद कर सकते हैं। यहाँ प्रवेश के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं देना होता है। इसके बाद हम बात करेंगे बावन पोखर मंदिर की। बावन पोखर के उत्तरी छोर पर बना है पालकालीन बावन पोखर मंदिर। इसमें हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित है। साथ ही इस पोखर छोटा जलाशय के बीच में एक जैन भी बना है। इस मंदिर में स्थापित भगवान महावीर की मूर्ति इसी पोखर में खुदाई के दौरान निकाली थी। साथ ही बावन पोखर मंदिर में रखी गई हिंदू देवी देवताओं की कई तस्वीरें भी इस पोखर की खुदाई के दौरान बरामद हुई थी। इसके बाद हम बात करेंगे राजा विशाल का गढ़ की। प्राचीन समय में राजा विशाल का गढ़ रहा यह स्थान आज वास्तव में एक छोटा टीला है जिसकी परिधि 1 किलोमीटर के आसपास है। दुनिया का पहला गणराज्य कहे जाने वाले वैशाली का इसे प्राचीनतम संसद समझा जाता है। इसके चारों तरफ 2 मीटर ऊंची दीवार है और 43 मीटर चौड़ी खाई है। इस संसद में 7,777 संघीय सदस्य इकट्ठा होकर समस्याओं को सुनते थे और उस पर बहस भी किया करते थे। यह भवन आज भी पर्यटकों को भारत के लोकतांत्रिक प्रथा की याद दिलाता है। इसके बाद हम बात करेंगे विश्व शांति स्तूप की। शांति का प्रतीक विश्व शांति स्तूप वैशाली का एक अनूठा घटक है जिसका निर्माण जापानी बौद्ध के निप्पोन जन महायोगी संप्रदाय ने करवाया था। इस स्तूप का व्यास 65 फीट का है और इसके स्तूप का आकार 125 फुट लंबा है। स्तूप में भगवान बुद्ध के अवशेष, सोने के गहने और कांच का काफी सामान रखा है। यह स्थान हमेशा सद्भाव और बुद्ध के सिद्धांतों का स्थल है जो पूरे विश्व में शांति बनाए रखने का आह्वान देता है। इसके साथ ही अब हम बात करेंगे अशोक स्तंभ की। इस अशोक स्तंभ के शीर्ष पर केवल एक ही शेर है। स्तंभ के समीप एक बौद्ध मठ भी है। वैशाली का यह स्तंभ अशोक के द्वारा बनवाए अन्य दूसरे स्तंभों से बिल्कुल अलग है क्योंकि स्तंभ के शीर्ष पर केवल एक ही शेर है और उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर है, जिस दिशा में तथागत बुद्ध ने अपनी अंतिम यात्रा की थी। सन 1996 में इसे चिन्हित कर खुदाई के दौरान बाहर निकाला गया। इसके बाद हम बात करेंगे कोरोनेशन टैंक या अभिषेक पुष्पकरणी। वैशाली संग्रहालय के सामने एक सुंदर झील है जिसे कोरोनेशन टैंक या अभिषेक पुष्पकरणी के रूप में जाना जाता है। फूलों के पेड़ों और झाड़ियों से घिरा जलाशय का पानी पुराने दिनों में पवित्र माना जाता था और ऐसा माना जाता है कि इस गणराज्य में जब कोई नया शासक निर्वाचित होता है तो उनको यहीं पर अभिषेक करवाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कुटागार शाला बिहार की। कुटागार शाला उस स्थान का प्रतिनिधित्व करता है जहां भगवान बुद्ध बारिश के मौसम में अपने वैशाली प्रवास के दौरान रहते थे। उत्खनन ने इसके निर्माण के 3 चरण
को उजागर किया है। मूल रूप से यह एक छोटी सी चिता थी जो सुंगा कुंश काल के दौरान बनाई गई थी। इसके बाद गुप्ता अवधि के दौरान दूसरे चरण में एक ऊंचा मंदिर में विस्तार किया गया और अंत में गुप्ता अवधि के बाद तीसरे चरण में कई विभाजन दीवारें प्रदान कर मंदिरों को मठ में परिवर्तित किया गया था। इसके बाद हम बात करेंगे चौमुखी महादेव मंदिर की। चौमुखी महादेव या चतुर्मुखी महादेव वैशालीगढ़ से लगभग 2 किलोमीटर यानी कि 1.2 मील दूर स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है। मंदिर में 4 भगवान के चेहरे ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सूर्य के साथ शिवलिंग है। माना जाता है कि यह 5वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। इसके बाद हम बात करेंगे वैशाली महोत्सव की। वैशाली महोत्सव जैन धर्म के अनुयायियों का एक त्यौहार है जिसे भगवान महावीर के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित किया जाता है। यह प्रतिवर्ष वैसाख पूर्णिमा को मनाया जाता है जिसमें हजारों लोग जुटते हैं। आज हमने आपको बिहार के पर्यटन स्थलों में वैशाली जिले की जानकारी देने की कोशिश की। अगले वीडियो में हम आपको बिहार के दूसरे जिलों के पर्यटन स्थल के बारे में जानकारी देंगे। आपको बता दें इस वीडियो में दी गई जानकारी हमने इंटरनेट से ली है। अगर किसी तरह की त्रुटि हुई है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इसके साथ ही अगर आपने कभी इस जिले का भ्रमण किया है या आप इस जिले के हैं तो आपके अनुसार इस जिले का कोई पर्यटन स्थल अगर हमारी तरफ से छूट गया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं जिसका जिक्र हमने इस वीडियो में नहीं किया है। हम आश्वस्त करते हैं कि आपके द्वारा दिए गए सुझाव को हम अपने वीडियो में जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आप इस जिले के अपने पसंदीदा जगह के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए धन्यवाद।